संगीनों के साय में निगरानी हो रही थी। चारों तरफ हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे। जेल की बैरक में से 900 से ज्यादा कैदी बंद थे, फिर भी एक कैदी सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया। स्पाइडरमैन की ये तरह कैदी जेल की ऊंची दीवारों पर चढ़ा और चंद सेकंड में गायब हो गया। बाद में जब सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई तो सबके होश उड़ गए। अब देखिए इस स्पाइडरमैन कैदी की सरेंडर की हैरान करने वाली कहानी। एक हाई जंप और छोटी पड़ गई जेल की ऊंची ऊंची दीवारें। दिन के उजाले में पुलिस वालों की आंख में धूल झोंक कर ये कैदी फरार हो गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जब सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों पर जेलर की नजर गई तो हकीकत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक कैदी 10 फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग गया। पहले तो किसी को इस खबर पर भरोसा ही नहीं हुआ। जब सब ने अपनी आंखों से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें देखी तब जाकर यकीन हुआ। वक्त दोपहर 3 बजे, जगह सेंट्रल जेल नरसिंहपुर। एमपी की इस जेल में ज्यादातर कैदी अपने अपने बैरक में थे। दो कैदी पानी की टंकी के आसपास टहल रहे थे। ठीक इसी वक्त सफेद कुर्ते और पायजामे में एक कैदी दीवार पर चढ़ गया। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरे को छोड़कर किसी और की इस कैदी की तरफ नजर तक नहीं गई। पंकज नाम का ये कैदी बाथरूम के रास्ते जेल की सुरक्षा दीवार के करीब पहुंच गया। इस दीवार पर चढ़ने के बाद 10 कदम आगे बढ़ा, फिर जंप मारकर एक ही झटके में 10 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। ये जेल की सबसे ऊंची बाउंड्री वॉल है। इस पर से कूदने पर जान जाने का खतरा था। ऐसे में पंकज ने अपना प्लान बदल दिया। पंकज दीवार पर ही खिसकते हुए आगे बढ़ा। 5 कदम बढ़ने के बाद ये कैदी एक छोटी दीवार पर कूद गया और फिर बड़े आराम से फरार हो गया। ये पंकज पहाड़े नाम का कैदी था जो आजीवन कारावास से दंडित हुआ था। छिंदवाड़ा जेल से लास्ट ईयर हमारे आया था। जब जेल खुली शाम को, जो शाम को लॉकअप खुलता तो उसकी ड्यूटी सर्किल पे थी, तो वो सर्किल की ड्यूटी से जो है दीवार की ओर भाग के और कूद के, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है। वारदात बुधवार की। सीसीटीवी तस्वीरें देखने के बाद पुलिस ने पंकज की तलाश शुरू कर दी। पुलिस पंकज को पकड़ पाती इससे पहले ही इस कैदी ने छिंदवाड़ा जेल में सरेंडर कर दिया। जेलर के सामने पेश होकर पंकज ने कहा उसे दूसरी जेल में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए दीवार फांद कर भाग गया। पंकज छिंदवाड़ा जिले का ही रहने वाला है। अपनी ताई के मर्डर केस में नरसिंहपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। किस मामले में? ये 302 के मामले में। आजीवन कारावास। ये अंदर जो हमारे ड्यूटी करने वाले सिपाही हवलदार हैं उनकी स्पष्ट लापरवाही है, इसके संबंध में हम और देख रहे हैं और संबंधित की कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। पंकज को पहले छिंदवाड़ा जेल में ही रखा गया था। पिछले साल ही इसे नरसिंहपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। सरेंडर के बाद पंकज ने खुलासा किया कि पिछले कई दिनों से वो जेल की दीवार फांदने की प्रैक्टिस कर रहा था। नरसिंहपुर से आलोक सिंह के साथ अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। 20 साल का एक सजायाफ्ता कैदी सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदकर आराम से फरार हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जेल ब्रेक की इस वारदात ने मध्य प्रदेश के जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए। नरसिंहपुर की इस जेल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जेल नाबालिग कैदियों के लिए बनाई गई थी, बाद में इसे सेंट्रल जेल में तब्दील किया गया। नाबालिग कैदियों की जेल होने की वजह से दीवारें सिर्फ 15 फीट ऊंची थी। सेंट्रल जेल बनाने के बाद भी दीवारों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, जबकि जेल के अंदर खूंखार कैदी बंद हैं। इस छोटी सी जेल में 920 कैदियों को रखा गया, जबकि जेल की क्षमता काफ़ी कम है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कैदी भाग रहा था तो किसी गार्ड की नज़र उसकी तरफ क्यों नहीं गई।